यूर अयान खान हमारे अपने चैनल बॉडीलाइन टिप्स के साथ। आज का जो वर्कआउट है बहुत ही कॉमन वर्कआउट है, बहुत ही बेनिफिट्स वाला वर्कआउट है, हर एक हमारे मसल्स पे वर्क करने वाला वर्कआउट है, जिसको हम फंक्शनल एक्सरसाइज कहते हैं। और ये जो वर्कआउट है अपने मल्टीपल मसल्स पे वर्क करता है, बाइसेप्स हो, बैक हो, रियर डेल्ट हो, कोर हो, हर मसल्स पे ये वर्क करने वाला वर्कआउट मैं आप आज को दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ याद आ गया कौन सा वर्कआउट, दिमाग में कुछ चल रहा है भाई कौन सा वर्कआउट आज होगा जो इतने सारे बॉडी पार्ट्स पे वर्क करने वाला है, याद आ रहा है? अभी तक नहीं, क्या यार रोज जिम जाते हो, मशक्कत करते रहते हो, फिर भी याद नहीं आ रहा। चलो मैं ही बता देता हूँ, आज का वर्कआउट जो है पुलअप्स। ओके, याद आ गया? चलिए शुरू करता हूं मैं, एग्जैक्ट पुलअप्स कैसे लगाए। तो पहले आपको बता दूं कि ग्रिप तो टाइट रहनी है, तो सेकंड कंफ्यूजन माइंड में आ जाता है कि ग्रिप तो टाइट हो गई, अभी हम लोगों को वाइड रेंज में आना है या यहां पे आना है या क्लोज रेंज पे आना है। तो ग्रिप इंपॉर्टेंट हो गया, तो ग्रिप इंपॉर्टेंट होने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आता है कि आप हैंडल को कहां पकड़े। तो मैं आपको बताता हूं, जो अपना शोल्डर है उस शोल्डर से थोड़ा वाइड, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से ये जो शोल्डर है यहां से थोड़ा वाइड ग्रिप। ओके, ये हो गया ग्रिप, ग्रिप टाइट लॉक, और ऊपर जाने से पहले अपने बैक मसल्स फुल्ली टाइट। ओके, बैक मसल्स टाइट, जस्ट ओपन एंड स्लोली अप, होल्ड एंड स्लोली डाउन, यस गुड डाउन, यस सेम वन मोर टाइम, फुल अप, बैक फुल टाइट, होल्ड एंड स्लोली डाउन। ओके, ग्रिप बता दिया, चिनअप्स को सॉरी पुलअप्स को कैसे ऊपर ले जाना है बता दिया। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि कंपलसरी जब आप पुलअप्स कर रहे हो लेग को लॉक करें, जब लेग लॉक हो जाते हैं, समझ लीजिए अभी हो गया ग्रिप, लेग लॉक हो गए अपने क्वाड्रिसेप्स और हिप्स मसल्स फुल टाइट, उसे लूज ना करें, जस्ट होल्ड ऑन टाइट, होल्ड स्लो डाउन। ओके, तो जब भी आप मसल्स को टाइट करोगे बैक मसल्स पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, बैक मसल्स, लैट्स, बाइसेप्स, हर जगह पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट, कि जब आप पुलअप्स कर रहे हो आपके फोरआर्म्स में भी प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, तो इंपॉर्टेंट ये है कि पुलअप्स करने के लिए आपके फोरआर्म्स भी स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो जब चिनअप्स तो मैंने अभी आपको लगाना सिखा दिया, तो जब आप चिनअप्स लगा रहे हो हाथ ऐसे सीधे नहीं रहने वाले, लाइटली बेंड, ओके, चेस्ट को ओपन, ओके, चेस्ट ओपन रहना है, जस्ट लाइक, फिर आपको मैं दिखा देता हूं, चेस्ट ओपन, ओके, चेस्ट ओपन, होल्ड स्लो डाउन, चेस्ट ओपन स्लो डाउन। ओके, जब भी आप ऊपर जा रहे हो ओपन, और बैक से आपको अर्च बनाना है वाइड ग्रिप में, तो आपके बैक मसल्स पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पुलअप्स मारने के तरीके हो गए। तो जो बिगनर्स हैं, तो हमारी गलतियां कहां पे होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम लोग गलतियां कहां करते हैं, फर्स्ट वन, ग्रिप कहीं यहां पे है, कुछ ग्रिप यहां पे है, ग्रिप का कुछ ध्यान नहीं है, फर्स्ट गलती करते हो ना। ओके, सेकंड गलती हम लोगों की, ग्रिप हो गया, चलो ग्रिप के बारे में समझ लिए, पैर सीधे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे, कुछ लोगों को मैंने जिम में देखा है या तो पूरा ऊपर चले जाते हैं, नीचे आने की कैपेसिटी खत्म, या तो नीचे रहते हैं ऊपर आने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो बिगनर्स ऐसे ना करें, क्योंकि इससे क्या होता जाता है, मसल्स इंजुरीज के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, ये हो गया। थर्ड वन, हम लोग क्या करते हैं, कभी बॉडी को छटका दे रहे हैं ऐसे, हाँ, या पैर से उठा रहे हैं, ये सब ना करें। जब आपको
पुलअप्स लगाने हैं तो स्लो लगाएं, ग्रिप को टाइट रखें। अगर आपको चिनअप्स नहीं हो रहे हैं आपसे शुरुआती दौर पर, तो जस्ट आप होल्ड करें और रिलैक्सली हैंग, जस्ट हैंग। हैंग करना मिनिमम 4 to 5 days, हैंगिंग पे शुरुआत करें मिनिमम 15 to 20 seconds, 25 seconds। उसके बाद आपके ट्रेनर की हेल्प लेकर स्लोली स्लोली आप जितना आपको हो सके उस हिसाब से स्लो स्लो आप अप करते जाए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ट्रेनर आपको सपोर्ट कर रहा है तो मिनिमम समझ लो 5 repetition हो गए, 2 हफ्ते बाद आप खुद लगवा रहे हो तो आराम से 3-4 हो गए। तो ये स्टार्टिंग रेंज रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहां से पुलअप्स देख लिया भागते भागते आ गए, ये जंप किया, ये स्टार्ट, ये नहीं। क्यों? बॉडी अपनी है, उसका ध्यान भी रखा करो भाई। ऐसे नहीं कि जिम मार रहे हो, शो ऑफ के लिए भागते आ रहे हो, उठा रहे हो, ये नहीं करना है। ये तो शो ऑफ तो हो गया, मसल्स का भी शो ऑफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पुलअप्स करते वक्त ग्रिप एग्जैक्ट, लॉक, लेग लॉक, ओके, बैक क्वाड्रिसेप्स, हिप्स मसल्स टाइट, बैक आर्च, चेस्ट ओपन। तो इस हिसाब से आप पुलअप्स मारोगे तो आपको पुलअप्स आसानी से लग जाएंगे और पुलअप्स आपको कुछ हेवी वाला वर्कआउट भी नहीं लगने लगेगा। तो पुलअप्स के फायदे बता दिए, पुलअप्स कैसे करना है बता दिए, आपकी गलतियां बता दिया, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये पुलअप्स का वीडियो भी मैंने आपको बताया है आपको पसंद आया होगा, और जो भी मेरे वीडियोस बन रहे हैं चाहे वो वार्म अप रिलेटिव हो, पुशअप्स हो, स्ट्रेचिंग हो, लेग स्ट्रेचिंग हो, जो भी मैंने अब तक वीडियो दिए हैं आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, ओके, वार्म अप कर रहे हो जिम में जाकर, तो ये सब कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और ऐसे ही बॉडी लाइन टिप्स को सपोर्ट करें, इसे आगे बढ़ाएं, और जो भी आपके माइंड्स में डाउट्स हैं वर्कआउट्स को लेके या सप्लीमेंट्स को लेके, प्रोटीन्स को लेके, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को लेके, कोई भी हो वेट गेन या वेट लॉस के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस चीज़ पे लेके 100% वीडियो बना दूंगा। तो गाइज मैं आपको और एक बात बता दूँ कि पिछले मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि बेली फैट के बारे में कुछ हमें टिप्स दे, तो उन सर को मैं बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपने जो बेली फैट के बारे में वीडियो मांगा है जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएगा, और ऐसा पहुँचेगा कि आप उसका 100% फ़ायदा उठाओगे, जो भी बेली फैट है 100% लॉस भी हो जाएगा, ओके। तो हमारे बॉडी लाइन टिप्स को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को आप पसंद करें, वेरी वी थैंक यू। तो तब तक बॉडी लाइन टिप्स को देखते रहे, और आपके आयान को जाने का इजाज़त, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच।